देश में इस समय दो अलग अलग मौसम देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ गर्मी का कहर बढ़ रहा है, तापमान हाफ सेंचुरी लगाने को तैयार है, तो वहीं दूसरी ओर कई राज्यों में तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह बंगाल में आया चक्रवात रेमल तूफान है। 26 मई को देर रात पश्चिम बंगाल में तूफान रेमल ने तबाही मचाई। 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के साथ गंभीर चक्रवाती तूफान रेमल बांग्लादेश और उससे सटे पश्चिम बंगाल के तटों से टकराया। इस दौरान खूब बारिश हुई, हवाएं चली, घरों में खेतों में पानी भर गया, खूब तबाही मची, जिसका असर कई राज्यों पर भी पड़ रहा है। जहां एक ओर मौसम विभाग के मुताबिक 30 मई तक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में लू का दौर जारी रहने की आशंका है, तो वहीं 27 और 28 मई को असम, मेघालय में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। वहीं गंगेय पश्चिम बंगाल, दक्षिण बांग्लादेश, उड़ीसा के उत्तरी तट और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में मध्यम बारिश और तूफान के साथ कुछ भारी से बहुत भारी बारिश की उम्मीद है। इसके साथ ही चक्रवाती तूफान की वजह से सड़क और हवाई सफर पर भी इसका असर देखने को मिला। कोलकाता से लेकर दक्षिण बंगाल के जिलों में यातायात सेवाएं प्रभावित हुई। पूर्वी और दक्षिण पूर्वी रेलवे ने ट्रेनें रद्द कर दी। इसकी शुरुआत रविवार से ही हो गई थी, तो वहीं दिल्ली में भीषण गर्मी ने लोगों को खासा परेशान कर रखा है। हीट वेव और चिलचिलाती धूप में घर से बाहर निकलना लोगों को दूभर हो गया है। इस बीच रविवार इस सीजन का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया है। बता दें कि कुछ स्थानों पर भीषण लू देखने को मिली। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में अगले 4 दिनों तक भीषण गर्मी और लू चलने को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। पूर्वानुमान के मुताबिक अधिकतम तापमान 45 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, तो वहीं हवा की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रहने वाली है। साथ ही 31 मई को हल्की बारिश होने की भी संभावना जताई गई है। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो यहां भीषण लू और चिलचिलाती गर्मी का लोग सामना कर रहे हैं। इस बीच मानसून के लिए फिलहाल यूपी के लोगों को अभी 1 महीने का इंतजार करना होगा। ऐसे में बिहार में भी गर्मी और लू का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने 27 और 28 मई को असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में व्यापक बारिश की चेतावनी दी है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।